देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आपके जॉब में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ, हर जगह आपके सपोर्ट करते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर द की टू सक्सेस। जो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो आपकी सफलता की कुंजी होते हैं। यदि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर इम्प्रूव करते हैं तभी आप जीवन में सक्सेस को पा पाते हैं। देखिए, इम्पैक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स वुमेन और मैन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोफेशनल और जॉब लाइफ में। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी है तो सामने वाले इंटरव्यू में आपकी जॉब की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एजुकेशन अपनी जगह है, डिग्री अपनी जगह है, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी जगह है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बॉडी फिगर, पर्सनैलिटी और आपके फीचर्स पर डिपेंड करता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके नॉलेज और आपके माइंड बेसिस कॉन्सेप्ट पर भी डिपेंड करता है। यदि आप मैन हैं तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में आप जा रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स में सीख रहे हैं, तो आपके पास फ्लुएंट इंग्लिश तो आनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास इंग्लिश का ज्ञान काफ़ी अच्छा है और आप इंग्लिश बोल लेते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ और भी फीचर्स होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले ट्रिम्ड हेयर कट, मतलब आपकी जो बाल होते हैं वो कटे होने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, क्लीन शेव्ड होने चाहिए आप। प्लस इसके अलावा जो है आपकी जो स्माइल होनी चाहिए वो वार्म होनी चाहिए, यानी कि दिखावा नहीं होना चाहिए। जो अंदर से फीलिंग के साथ आप जो है स्माइल करते हैं उससे वार्म स्माइल करते हैं। प्लस इसके अलावा जो है आपकी जो सीना है वो थोड़ा तना होना चाहिए, जिससे आपको फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस सामने वाले को फील होती है। और आप अगर इंटरव्यू के वक्त जा रहे हैं तो आपके पास फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। फॉर्मल ड्रेस में आपका कोट, पैंट, टाई और शर्ट और आपके शूज हमेशा पॉलिश में होने चाहिए। इसके अलावा जो है आप हैंडशेक, यदि आप किसी के सामने कर रहे हैं, यानी कि सामने वाले पर्सन से आप हैंडशेक करें, तो उसको आप जेंटल हैंडशेक करिए, तो उससे आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा पड़ता है। साथ साथ जो है आपकी जो बॉडी का पॉस्चर होता है वो आपकी 50% जो आप वोकल बोलते हैं यानी कि मुँह से बोलते हैं, 50% आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको आपकी कम्युनिकेशन को शो करती है कि आप जो बोल रहे हैं और क्या वो भी आपकी बॉडी भी बोल रही है। तो करेक्ट बॉडी पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज़ मैन के लिए डिपेंड करती है उससे वही सेम टू सेम फीमेल पर भी डिपेंड करती है, पर फीमेल कुछ चीज़ें डिफेंस करती है, जैसे कि फीमेल के जो बाल होने हैं वो वैसे सेट होने चाहिए, साथ साथ जो है फ्रेंडली स्माइल होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस हैंडशेक होना चाहिए और कॉन्फिडेंट बॉडी पॉस्चर भी होना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आपका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ता है सामने वाले इंटरव्यू पर, और आपकी जॉब लगने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। साथ साथ यदि अगर आपकी जॉब लग गई तो आप जॉब के लिए सर्वाइवेशन करते हैं, तो सर्वाइवेशन में भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इम्पैक्ट, अगर अच्छे हैं तो आपको जॉब में सिक्योरिटी के साथ आगे प्रमोशन के लिए भी आगे इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ जो आपके डिसाइड्स में इम्पैक्ट पड़ते हैं वो किन किन चीज़ों से पड़ते हैं, फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस से, वार्म स्माइल से। और यदि आप लोग ट्रिम करवाते हैं, मतलब अपनी बियर्ड को जो है ट्रिम कराते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप क्लीन से रहते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके साथ साथ जो है आप हर 15 डेज में या 20 डेज में अपने हेयर कट को जो है सेट करवाते रहिए, मतलब बाल जो है बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए और बिल्कुल जो थोड़े छोटे उगे होते हैं उन वैसे भी नहीं होने चाहिए, मतलब आपके बाल की हेयर स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ट्रिम होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपकी जो ड्रेस है वो हमेशा क्रीज में होनी चाहिए, यानी परफेक्ट होनी चाहिए। और अगर आप ऑफिशियल जॉब करें तो आप बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में रहें, तो इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा पड़ता है। और आपके जो बॉडी, मतलब जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी भी बात करती है। कहने का मतलब ये है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप किसी सामने वाले पर्सन से बात करें और उसकी जो फ्लीट होती है, यानी कि जो उसका जो पैर होते हैं, जो आपके पैर देखिए, अगर वो कहीं और पे बोले हैं तो यानी कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस आपको किसी तरह बात कर रहा है और वो जाना चाह रहा है जिस साइड उसका पैर है। तो ये कभी आप फीलिंग्स, ये जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाला बात करना आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है इनकी नहीं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब।